अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो यो इश्क नवे नवे पकतो न मड़ी दू सनवे तमाशावा पली दो न मड़ी दू। अच्छा जी, इश्क दो किस्म का होता है मेरे ख्याल में। एक इश्क है जो इश्क आप अपने रब से करते हो, अपने नबी से करते हो, या जो इश्क हम अपने दीन से करते हैं। और दूसरा जो इश्क होता है वो हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम इसी तरह समझते हैं। वो कहते हैं कि लड़की का इश्क, किसी फीमेल या किसी लड़की के साथ आप इश्क में इस हद तक चले जाते हो कि फिर आप एक मिसाल बन जाते हो, सदियों तक भी वो इश्क आपका भूला नहीं जाता। हमारे पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो मिसालें भी मौजूद हैं, बहुत सारी कुर्बानी भी मौजूद है, जिसमें से सर फहरिस्त चंद एक का मैं बता देता हूँ। हीर रांझा, लैला मजनू हो गया, इस तरह का एक वाक़िया यहाँ पर भी है। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है कड़ामार माउंटेन, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर है। हम तो यहाँ पर चढ़ने के लिए आए थे। बहरहाल वो स्टोरी आपको सुनाते हैं कि वाक़िया क्या हुआ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कड़ामार माउंटेन कसमेला से बिल्कुल वन साइड पर, जहाँ पर ऊपर पहाड़ी पर मौजूद है यूसुफ़ खान, उनकी कब्र मौजूद है, और जिन्होंने इश्क किया था शेरबानों से। बहुत सारे पठानों को जहन में भी ये वाक़या आ गया होगा। तो जिस तरह से आज वो स्टोरी पर मैं व्लॉग बनाने आया था, तो चूंकि हमारी प्लानिंग सही नहीं थी और ना ही हमें इस जगह के बारे में इतना इलम था कि यार ये किस साइड पे होगा, किधर होगा, पूछते पूछते यहाँ तक आए बड़ी मुश्किल से। बहरहाल हमारा टाइम बड़ा लेट हो चुका है, अभी तकरीबन 2 बजने वाले हैं, और 2 बजे अगर हम वहाँ पर चढ़ेंगे तो एक साइड से आपके तकरीबन लग जाते 6 से 7 घंटे लग जाते हैं एक साइड से। जब आप चढ़ते हो, वापसी का रास्ता थोड़ा आसान होता है 2 से 3 घंटों में या 3 से 4 घंटों में, अगर एक यंग और थोड़ा सा स्मार्ट बंदा हो तो वो आसानी से पहुंच सकता है। तो हम तो यहाँ पर आए, लेकिन इलम नहीं था कि यार ये इतना ऊपर होगा। शायद आप लोगों को कैमरे में थोड़ा नज़र आ रहा हूँ, उस साइड पे थोड़ा सा धुंध है, लेकिन जो बिल्कुल एंड वाला कोना है वहाँ पर चढ़ना है। और चढ़ना कहाँ से है, इस साइड से पहाड़ी पर ऊपर चढ़ना है, वहाँ से कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल सीधा है। तो थोड़ी प्लानिंग ख़राब थी, इस वजह से हम आज आपको यूसुफ़ खान की कब्र नहीं दिखा सकें। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, नेक्स्ट जुम्मे को इंशाल्लाह सब भाइयों ने तैयार रहना है, पूरी स्टोरी मैं उस पर बनाऊँगा, फिर मैं थोड़ी सारी स्टोरी उस व्लॉग में बताऊँगा, तभी मज़ा आएगा। अगर अभी से मैंने आप लोगों को यूसुफ़ खान और शेरबानों की स्टोरी बता दी तो नेक्स्ट व्लॉग आप लोग मेरा देखोगे नहीं, जब देखोगे नहीं तो मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं, और जब मेरे आने का फ़ायदा नहीं तो फिर मज़ा भी नहीं आया। तो इंशाल्लाह सब भाइयों ने तैयार रहना है, यूसुफ़ खान और शेरबानों का पूरा किस्सा नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे, और हफ्ते या इतवार के दिन एडिट करके आप लोगों के सामने वो पेश कर देंगे। बाकी सपोर्ट करना और उसको देखना, आगे शेयर करना, वो आप लोगों का काम है। इसी बात के साथ सब भाइयों से चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ने के बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।